नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार। चलिए जानते हैं आज की कुछ अहम खबरें। तो चलिए जानते हैं क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में। पीएम बोले, जिसने अपनों को खोया है उनसे संवेदना है। साथ ही पीएम बोले, बीते 100 सालों में आई सबसे बड़ी महामारी। साथ ही पीएम ने यह भी बोला, महामारी से देश कई मोर्चों पर लड़ा, नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, इतनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। साथ ही वायुसेना, नौसेना और रेल सब ने युद्ध स्तर पर काम किया। साथ ही पीएम ने यह भी बोला, ज़रूरी दवाइयों का उत्पादन भी हमने बढ़ाया। साथ ही विदेश से दवा लाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षा कवच है। 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 60% था। 5 साल में वैक्सीनेशन कवरेज 60 से 90% से ज़्यादा हुई। साथ ही पीएम बोले, वैक्सीनेशन के लिए मिशन मोड में काम किया। जब नियति साफ तो काम करने में आसानी होती है। साथ ही लोग कह रहे थे, भारत इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचाएगा, जबकि 23 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। जब कोरोना कम था तभी हमने टास्क फोर्स बना दिया था। साथ ही प्रयास और परिश्रम से वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। नोजल वैक्सीन का ट्रायल भी देश में चल रहा है पीएम। साथ ही पीएम बोले, वैक्सीन बनने और लगाने की भी सीमाएं हैं। बच्चों के लिए 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। सबसे बातचीत के बाद ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तय हुई। और दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र की तरफ संबोधन। थी दोस्तों, 21 जून से सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज मिलेगा। साथ ही दोस्तों, एक नई खबर जानने को मिली है, कोविड के इलाज से 3 दवा आउट। और भी खबरें जानेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जानते हैं आज भी कुछ बड़ी खबरें। साथ ही देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर बनेगा केवाड़िया, यहाँ चलेगी सिर्फ बैटरी वाली कार बसें। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर के 4,000 से ज़्यादा पदों पर निकली भर्तियाँ। बाकी की जानकारी आप वीडियो पॉज करके देखें। साथ ही हरियाणा में 14 जून तक बड़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बार। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। शुभ रात्रि, जल्द मिलेंगे ऐसी बड़ी खबरों।